पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बाद यूपी सरकार बुंदेलखंड के लोगों को एक्सप्रेसवे की सौगात देने वाली है, जिसको लेकर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने पिछले महीने ऐलान किया था कि 75% इसका काम पूरा हो चुका है। बता दें कि यूपी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की जमीनी हकीकत परखने रविवार को यूपी सरकार के अपर मुख्य सचिव गृह सचिव अवनीश अवस्थी हेलीकॉप्टर से जालौन पहुंचे, जहां उन्होंने एक बेतवा नदी पुल के पास स्थानीय निरीक्षण किया। इस दौरान जिला प्रशासन के साथ प्रोजेक्ट को गति देने वाली कंपनी गांवर के मैनेजर और अधिकारियों के साथ बैठक की और एक्सप्रेसवे निर्माण की गति को समझा। उन्होंने नदी के पुल और एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता की जांच की, साथ ही उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार के इस ड्रीम प्रोजेक्ट की जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। एक्सप्रेसवे के निर्माण होने से पिछड़े बुंदेलखंड को गति मिलेगी, साथ ही यहां टूरिज्म का भविष्य भी उज्जवल होगा। सरकार का उद्देश्य है कि चित्रकूट की पावन धरती से दिल्ली तक का सफर महज 6 घंटों में तय हो सके। इसके लिए केंद्र और प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की नींव रखी है। इस दौरान अपर मुख्य सचिव ने बताया कि 18 महीने में गांवर कंपनी ने 80% काम पूरा कर लिया है। जल्द ही एक्सप्रेसवे को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए खोल दिया जाएगा। निर्माण कार्य के दौरान किसी भी तरह का भूमि विवाद नहीं हुआ। कंपनी तेजी के साथ काम कर रही है, इसके लिए सरकार से पूरा सपोर्ट मिल रहा है। एक्सप्रेसवे के निर्माण में गुणवत्ता का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विजन है कि चित्रकूट से दिल्ली तक का सफर कम से कम समय में तय हो सके। इसके लिए खुद सीएम योगी आदित्यनाथ इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि ज्यादा से ज्यादा मैन पावर लगाकर एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। एक्सप्रेसवे का निर्माण होने से आसपास इंडस्ट्री डेवलप होंगी, इसके साथ ही टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। देश की राजधानी दिल्ली से बुंदेलखंड के कई जिले जुड़ेंगे और इसका लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया, इन जिलों के लिए ये एक्सप्रेसवे वरदान साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अप टू डेट भारत। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।